हेलो एवरीवन, आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो फॉल्स ब्रेकआउट होता है, यानी कि आपको बेवकूफ़ बना करके मार्केट घूम जाता है या ट्रैप कर देता है, उससे आप कैसे बच सकते हो। और ये बहुत बार आपके साथ हुआ होगा। इसको मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर ले जाके भी बताऊँगा और वहाँ पर आपको कैसे देखना है वो सब चीज़ें सिखाऊँगा। लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यहाँ पे स्टॉक मार्केट के कंप्लीट कोर्स के जो प्लेलिस्ट बना रखी है, इसमें नए लेटेस्ट वीडियो आ गए हैं, उनको भी देखिएगा। पूरा कोर्स यहाँ पे फ्री में दिया जा रहा है, सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप फ्री में आकर के सीख सकते हो। तो अब चलते हैं हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर। टॉपिक क्या है कि फॉल्स ब्रेकआउट होता है और उससे हमें क्या करना चाहिए। देखो, फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है, आपने सुना होगा कि मार्केट क्या करता है। जैसे मान लो ऊपर गया और ऐसे लगता है कि ये ब्रेकआउट हो गया और फिर थोड़ा सा ऊपर जा करके घूम जाता है और आपको फंस जाते हैं और आप निकल वहाँ पे वो मार्केट है वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, आपको लगता है ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे फंस गए। या फिर कई बार ऐसे होता होगा कि मार्केट है वो नीचे गिर रहा था, ऊपर गया, आपने देखा कि अब सपोर्ट लेगा और फिर थोड़ा सा ये आता है नीचे और ये नीचे की साइड में चला जाता है और आपको लगता है कि अब मार्केट नीचे जाएगा या क्योंकि ब्रेकडाउन हो गया इसका, और मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है और ऊपर घूम जाता है वापस। तो यहाँ पे आप सेल के ट्रेड में फंस गए और यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो मार्केट आपकी डायरेक्शन को देख लेता है और वापस घूम जाता है। तो इससे आप कैसे बच सकते हो, क्योंकि ये बहुत बार होता होगा। तो देखो, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट है, उसके अंदर हम कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे। तो वो हम एक तो प्राइस चार्ट यूज़ करेंगे, फिर ब्रेक डाउन हो रहा है या ब्रेकआउट हो रहा है उसके हिसाब से हम अपनी प्लानिंग है वो करेंगे। उसमें एक तो वॉल्यूम यूज़ करेंगे, एक RSI का ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जो सिचुएशन होती है उसको यूज़ करेंगे। उसका डाइवर्जेंस भी देखेंगे कि कैसे हम RSI दिखा रही है। तो इसमें अपने को क्या चीज़ देखनी है, यहाँ पे दो चीज़ें बन रही है। यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट ढूंढना है। अगर फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है तो वहाँ पे हम सेल का ट्रेड बनाएंगे। मान लीजिए कि ऊपर जा रहा है मार्केट और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कोई ब्रेकआउट दे रहा है, तो अब यहाँ पे आपको क्लियर देखना है कि ये फॉल्स है या फिर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। तो फॉल्स ब्रेकआउट है ना अगर, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, सेल का ट्रेड बनाना है अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे की साइड में सेल के ट्रेड बनाना है क्योंकि ये बेवकूफ बना के नीचे आएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो यहाँ पे अपने को बाई का ट्रेड बनाना है क्योंकि ये ऊपर जाने वाला है। तो ये आपको क्लियर चीजें हो गई। अब सेम सिचुएशन ऐसे ही होती है ब्रेकडाउन के अंदर भी, कि यहाँ पे मार्केट आया फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया और नीचे की डायरेक्शन में आ गया। अब देखना है कि ये फॉल्स ब्रेकडाउन है। अगर फॉल्स ब्रेकडाउन है तो हम इसके अंदर सेल का ट्रेड नहीं बनाएंगे, हम इसके अंदर बाई का ट्रेड बनाएंगे क्योंकि ये घूम के ऊपर जाएगा, बेवकूफ बनाएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन है ये, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, यहाँ पे सेल का ट्रेड बनाना है, बाई का ट्रेड नहीं बनाना है। तो दोनों चीजें आपके क्लियर चीजें समझ में आने वाली हैं। अब इसके लिए क्या करना है अपने को, देखो मैं ये फॉल्स ब्रेकआउट भी मैंने समझा दिया और जो फॉल्स ब्रेकडाउन है वो भी समझा दिया। अब मैंने क्या बताया आपको कि फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो वहां पे अपने को सेल की पोजीशन बनानी है और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो वहां पे बाई की पोजीशन बनानी है, उल्टा काम करना है उसका। अब चलते हैं हम चार्ट के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ कि अगर आपके पास जीरोधा या एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट नहीं है तो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरुआत कर सकते हो। कोर्स है पूरा ट्रेडिंग का, वो अपने चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर नहीं देखा हुआ है तो उनको जाकर के सीखिए, फ्री के अंदर सब चीज़ें बताई गई है। अब हम चार्ट पे चलते हैं कि ये देखो फॉल्स ब्रेकआउट में हम क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे फॉल्स ब्रेकआउट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको फॉल्स ब्रेकडाउन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि एक तो ये है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक ब्रेक जो यहाँ पे लो लगा हुआ है, एक लो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लो, ठीक है। दूसरा लो लग रहा है यहाँ पे, दूसरा लगा। अब तीसरा, मैं अब मान लीजिए कि एक लाइन खींचता हूँ, मैं यहाँ से एक लाइन खींचा, मैंने यहाँ से एक लाइन खींची, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींची और अब ये नीचे आ गया और इस कैंडल पे आपको लग रहा होगा कि ये तो ब्रेक डाउन हो गया, अब हमें सेल करना चाहिए, ठीक है, ये लग रहा होगा ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, दो चीज़ें लगानी है। अब आपको क्या करना है, एक तो इंडिकेटर लगाना है RSI का, RSI जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखिए, और अगर देखा नहीं है तो उसको देखिए, तब समझ में आएगा ये। तो यहाँ पे हमने एक तो RSI लगा लिया और एक लगाएंगे हम यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर। तो वॉल्यूम इंडिकेटर देखिए कि वॉल्यूम इंडिकेटर क्या होता है, कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी होती है ना, उनके अंदर वॉल्यूम, क्योंकि ट्रेड नहीं होते ना, फ्यूचर्स में आप ट्रेड करते हो या ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हो तो, या फिर कोई स्टॉक में ट्रेड करते हो, तो उनमें वॉल्यूम आता है जिसमें ट्रेड होता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर इंडेक्स में ट्रेड नहीं होता है, इनके फ्यूचर या ऑप्शन में या फिर स्टॉक्स में ट्रेड होता है, तो वहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखेगा। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए कि निफ्टी फ्यूचर्स का या बैंक निफ्टी फ्यूचर का वो लगा लेता हूँ, ठीक है।
तो ये हमने मार्च का फ्यूचर का चार्ट लगा लिया। अब देखिए कि ये मार्च का फ्यूचर का चार्ट लग गया और ये बैंक निफ्टी आ गया। अब देखिए इसमें वॉल्यूम भी आ गया अपने पास, एक वॉल्यूम हो गया, एक RSI हो गया। और यहाँ पे देखिए कि एक मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है क्योंकि ये लो है इसका, ठीक है, ये क्या है इसका लो पॉइंट है, यहाँ पे एक लो पॉइंट है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे स्विंग बना हुआ है, इसको स्विंग ने नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दे दिया और ये कैंडल नीचे की साइड में बन गई थी, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया और आप यहाँ पे सेल का ट्रेड बनाना है आपको। तो अब देखिए कि इसमें आपको कैसे फंसना नहीं है, क्यों फंसना नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा इसको और भी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और अपने चार्ट को भी थोड़ा सा ऊपर के साइड में ले लेता हूँ, तब आपको क्लियर चीज़ें समझ में आने वाली हैं। और अब देखिए तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो कैंडल बनी हुई है इसने क्या किया, पिछले स्विंग को नीचे की साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये आपको लग रहा है कि ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो अब इसका चेक करना है कि ब्रेक डाउन हुआ है या नहीं हुआ है, तो सबसे पहले तो अपने वो क्या चीज़ें देखनी है, देखो अपने को ब्रेक डाउन सही में है या फॉल्स ब्रेक डाउन है वो देखना है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, एक वॉल्यूम देखना है कि वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ठीक है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम की बात करूँ तो यहाँ पे अपन चलते हैं और वॉल्यूम जो मूविंग एवरेज है उसको भी लगा लेते हैं। तो इस कैंडल पे आपको दिख रहा होगा कि वॉल्यूम है वो एवरेज वॉल्यूम के पास में ही है, ठीक है, वॉल्यूम बोल रहा है कि ठीक है, वॉल्यूम ठीक ठाक है। अब क्या ये सही में है या नहीं है, तो देखिए RSI क्या कहता है, RSI का डायरेक्शन देखोगे आप तो RSI जब ये यहाँ पे प्राइस ऊपर है और यहाँ पे नीचे है, बल्कि RSI का यहाँ पे आप देखोगे तो RSI यहाँ पे नीचे है और यहाँ पे ऊपर के साइड में है। तो RSI क्या कह रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि प्राइस है वो यहाँ पे गिरा है, वो नकली गिरा है। एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि RSI बोल रहा है वो नकली यहाँ पे गिरा हुआ है, क्योंकि RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस में दिखा रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे पोजीशन क्यों नहीं बनानी है आपको, दूसरी चीज देखनी है कि RSI 30 के पास में ही है यहाँ पे, तो ओवरसोल्ड में है, तो ओवरसोल्ड में जब मार्केट ओवरसोल्ड में RSI ओवरसोल्ड दिखा रही है, RSI ही आपको बोल रही है कि ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, नीचे गिरा है वो गलत गिरा है, खोखला गिरा है, तो यहाँ पे आपको ये नेगेटिव या नेगेटिव का मीनिंग ये फॉल्स ब्रेक डाउन है, ठीक है, यहाँ पे आपको सेल का ट्रेड नहीं बनाना है। अब आपको यहाँ पे कौन सा साइड का ट्रेड बनाना है, इसका कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रा ट्रेड कैसे बनाना है कि जब RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाती है, यहाँ पे कोई भी बुलिश टाइप की कैंडलस्टिक बने, ठीक है, तो आपको वहाँ पे एंट्री करनी है। तो देखिए यहाँ पे RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना गई और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कैंडल बनी है ये हैमर भी काउंट कर सकते हो और स्पिनिंग बॉटम भी काउंट कर सकते हो और यहाँ से मार्केट ऊपर चलने की शुरुआत करेगा, ठीक है। तो ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन है और यहाँ से आपको कॉन्ट्रा ट्रेड करना है, ना कि सेल नहीं करना है, आपको यहाँ पे बाय का ट्रेड देखना है, ठीक है। या अगर आपने कोई भी यहाँ पे कोई सेल का ट्रेड बनाया था तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है सेल के ट्रेड में से। तो ये एक नेगेटिव यानी कि आप देख रहे होगे कि जो फॉल्स ब्रेकडाउन है वो मैंने समझा दिया। अब आपको मैं बताता हूँ कि फॉल्स जो ब्रेकआउट होता है उसके बारे में भी, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ये चार्ट है निफ्टी का, इसमें भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको फॉल्स ब्रेकडाउन ही दिखेगा क्योंकि मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे RSI लगाई मैंने, ये RSI है, सॉरी ये चार्ट में RSI नहीं आएगा, इंडिकेटर में आएगा RSI, ये RSI लगाया यहाँ पे और वॉल्यूम इसमें आएगा नहीं, तो वॉल्यूम को अब देखते हैं, वॉल्यूम को बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो प्राइस है, इस प्राइस ने यहाँ पे इस जो पिछला स्विंग है इसको नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दे दिया और RSI का लेवल देखिए कि यहाँ पे RSI क्या कह रहा है, यहाँ पे RSI क्या कह रहा है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। RSI कह रहा है कि ये जो प्राइस है एग्जैक्टली क्या कर रहा है, RSI इसको दिखा रहा है कि थोड़ा सा ही नीचे आया है ये, और ये प्राइस इस कैंडल पे होगा ना, क्योंकि इस कैंडल पे तो यहाँ पे ये ब्रेक डाउन दिया है इस कैंडल पे, और इस कैंडल पे आप देखोगे कि यहाँ पे RSI है और इस कैंडल का जो आप देखोगे यहाँ पे तो RSI क्या है, ऊपर के साइड में इस कैंडल का। तो RSI क्या बोल रहा है कि ये नेगेटिव यानी कि ये गिरा है वो गलत गिरा है। RSI क्या बोल रही है कि ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, ठीक है, क्योंकि अब तो ये यहाँ पे दो दिन और गिर गया तब नीचे आया है, क्योंकि आपको ब्रेकडाउन यहाँ पे ही हो गया था तो यहाँ पे RSI क्या था, ऊपर ही था। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये जो गिरा है, अब इसमें RSI देखोगे तो यहाँ पे 34 या 33 के करीबन है, तो RSI 30 के पास में है, तो यहाँ पे आप ब्रेकडाउन का ट्रेड कैसे ले सकते हो, क्योंकि ये अगर आप लोगे तो ओवरसोल्ड सिचुएशन के अंदर RSI है और यहाँ पे आप ब्रेक डाउन हो रहा है, तो अगर ओवरसोल्ड सिचुएशन है और जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है तो वहाँ पे आपको सेल का ट्रेड नहीं लेना है, वहाँ पे सेल में से तो निकलना है, प्रॉफिट बुक करना है, वहाँ पे बाय की ट्रेड की साइड में जाना है, ठीक है। मैं इसको निफ्टी जो स्पॉट चार्ट है उसमें दिखाता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा निफ्टी स्पॉट के चार्ट में। निफ्टी का जो स्पॉट का चार्ट है निफ्टी 50, ठीक है, उसमें दिखाता हूँ मैं, ये क्लियर दिखेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए आप,
यहाँ पे देखिए RSI अभी भी ऊपर है, यहाँ पे भाव है जो पिछले स्विंग को नीचे कट गया, कर गया, लेकिन RSI पिछले स्विंग को नीचे कट ही नहीं कर पाया। RSI बोल रहा है कि ये जो गिरा है वो गलत है, मैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस में हूँ। RSI है वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस में है, और जो भाव है वो आप देखिए कि यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस में दिखा रहा है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे की साइड में कर देता हूँ, तो नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बाई का ट्रेड ढूंढना है, और बाई का ट्रेड कैसे मिलेगा, RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस में है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि RSI है वो ओवरसोल्ड सिचुएशन में भी है, 30 के नियर है, और यहाँ पे आपको दिखेगा कोई कैंडलस्टिक बननी चाहिए बुलिश वाली। तो आप देखो कि यहाँ पे जो कैंडलस्टिक बनी है ये हैमर कैंडल है, और हैमर कैंडल का ऊपर के साइड में ब्रेक जो एक्टिवेशन भी हो गया है, तो यहाँ पे बाय का ट्रेड बनेगा। अब मैं आपको ये नेगेटिव यानी कि जो फॉल्स ब्रेक डाउन है वो तो दिखा दिया, अब आप बोलोगे कि जो फॉल्स ब्रेकआउट है उसको कैसे पहचानेंगे, तो उसका भी देखो यहाँ पे। अब आपको मैं यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको फॉल्स ब्रेकआउट दिखाता हूँ। इसमें ये RSI बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब आप देखिए कि ये जो चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे एक मैं एक लाइन खींचता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ पे लाइन खींची, इस पॉइंट पे देखिए RSI है, ये एक टॉप बना हुआ है, और RSI क्या है, यहाँ पे है गई, ठीक है, RSI का इसके यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ मैं, RSI के पास में ये लाइन खींची, और यहाँ पे आप देखिए कि ब्रेकआउट हो गया ना, ये ब्रेकआउट हो गया। अब इसको पहचानना है कि ये ब्रेकआउट हुआ है वो सही में हुआ है या नहीं हुआ। तो आप देखिए कि RSI है वो यहाँ पे नीचे है, तो RSI क्या कह रही है, RSI तो बोल रही है कि तो मैं तो नेगेटिव डाइवर्जेंस में हूँ, तो ये ब्रेकआउट क्या है, सस्टेन नहीं करेगा, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पे आपको बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो बाइंग का ट्रेड था उसमें प्रॉफिट बुक करना है, और यहाँ पे सेल का ट्रेड ढूंढना है, और सेल का ट्रेड भी कैसे ढूंढोगे, RSI नेगेटिव डाइवर्जेंस में है और ओवरसोल्ड रीजन के पास में होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई चार्ट पैटर्न बनना चाहिए नेगेटिव साइड का। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कैंडल, दोनों कैंडल बनी हुई है, ग्रीन कैंडल ये और ये रेड कैंडल, इसको डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बोलोगे, तो ये एक नेगेटिव कैंडल भी बन गया, और ये रेजिस्टेंस जोन भी है, RSI नेगेटिव डाइवर्जेंस में है, तो यहाँ पे ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे बाई का ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे आपको सेल की ट्रेड ढूंढनी है और सेल का ट्रेड में ही घुसना है। तो ये देखिए कि यहाँ पे मार्केट नीचे गिर गया है, ये रिटेस्ट करने के लिए गया था, इस जो फॉल्स ब्रेकआउट था उसको नीचे की साइड में वापस घुस गया मार्केट, तो इसके पास जाकर के वापस रेजिस्टेंस ले रहा है, और रेजिस्टेंस के पास में देखिए ये जो शूटिंग स्टार भी बनाया, और फिर वहां से तेजी से गिरना शुरू हुआ, क्योंकि लोगों को ज्यादा कंफर्मेशन यहां मिलती है, ठीक है, एक बार ब्रेकडाउन दे दिया फिर रिटेस्ट करने जाएगा, फिर वहां पे कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो वहां पे ज्यादा तेजी से नीचे आता है, और सीधा नीचे आता है तो वो थोड़ा स्लो आता है। तो ये मैंने आपको बताया कि फॉल्स ब्रेकआउट है वो कैसे ढूंढना है। तो फॉल्स ब्रेकआउट होता है, जैसे मान लीजिए फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तो उसमें आपको सेल की पोजीशन ढूंढनी है, और सेल की पोजीशन आपको बताया मैंने RSI है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव डाइवर्जेंस में होगी, और सेल का ट्रेड आपको एक्टिवेट कब करना है, कोई भी बियरिश कैंडलस्टिक बननी चाहिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए फॉल्स ब्रेकडाउन होता है तो उसमें क्या करना है, RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाएगी, तो वहां पे आपको क्या करना है, कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक बननी चाहिए, तो उसके बाद में आपको बाई का ट्रेड लेना है, वहां पे आपको सेल की साइड में नहीं जाना है, आपको बाई साइड में जाना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपको, जो फॉल्स ब्रेकआउट है और फॉल्स ब्रेकडाउन है उसमें। अब स्ट्रांग मान लीजिए कि RSI भी स्ट्रांगली ऊपर की साइड में बोल रही है, ये मान लेते हैं कि RSI अगर मान लेते कि यहाँ पे इसके ऊपर होती और ये ऊपर की साइड में होता, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये एक बार ऊपर के साइड में चला जाता, वहां पे आप बाई का ट्रेड भी ले लेते, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इसमें भी आपको देखना होता कि ये RSI बहुत ज्यादा ओवरबॉट सिचुएशन में होता, तो वहां पे एक बार क्या होता कि आपको किस प्रकार से ट्रेड लेना होता, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देने के टाइम पे ऊपर जाएगा एक बार, फिर रिटेस्ट करने आएगा, तब उस टाइम पे ये RSI है वो नीचे अपने जो बाइंग जोन है उसमें आ जाएगी, और फिर उसके बाद में ऊपर जाना शुरू करेगा, तब RSI आपके अपने बाइंग जोन में भी होगी, और ये जो RSI है ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं होगी, तो वहां पे आपको फिर बाई का ट्रेड बनाओगे तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो ये मैंने RSI के माध्यम से आपको फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन उसके बारे में क्लियर बता दिया है, कि कैसे आपको जो सीक्रेट तरीके से पता लगाना है कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है या फॉल्स हो रहा है, मैंने इसके अंदर घुसना नहीं है। तो ये मैं डेली चार्ट पे दिखा रहा हूँ, अगर आप इंट्राडे पे काम कर रहे हो तो आप इसको 15 मिनट पे कर लीजिए चार्ट को, और फिर 15 मिनट पे आप देख सकते हो कि आप जो RSI है वो जो ब्रेकआउट है वो फॉल्स दे रहा है या स्ट्रांग ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन के अंदर भी देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो लेवल है, इस लेवल को नीचे की साइड में यहाँ पे कहीं पे देखिए ब्रेकडाउन दिया है। तो अब आपको इंट्राडे में ट्रेड लेना है तो 5 मिनट पे और 15 मिनट पे आप
जो RSI है उसको लगा लीजिए, और उसमें भी आप डाइवर्जेंस देखिए, ओवरबोट या ओवरसोल्ड सिचुएशन देखिए, और कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया कि फाल्स ब्रेकआउट कैसे होता है और फाल्स ब्रेकडाउन कैसे होता है। आशा करता हूँ आपको एकदम समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जीरोधा या एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट नहीं है तो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के अकाउंट ओपन कीजिए और अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।